पुलिस कस्टडी में खड़े इन चार महानुभावों को देखिए, भौकाल मेंटेन करते करते बेचारों का अगला ठिकाना जेल बन गया। कासगंज के इन चार लोगों में टीम लीडर एक युवक है, लेकिन टीम छात्रों की है जो महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल और गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरा करने के लिए अपराधी बन गए। गर्लफ्रेंड के आगे अपनी औकात को ऊंचा दिखाने के लिए ये सभी लुटेरे बन गए और लूट करने लगे। गर्लफ्रेंड अगर कुछ मांगती तो ये लोग असलाहा उठाते और किसी ना किसी की कनपटी पर रखकर उसे लूट लेते थे। लेकिन गर्लफ्रेंड को भौकाल दिखाना इन्हें उस वक्त महंगा पड़ गया जब इनके काले कामों की खबर कासगंज पुलिस को लगी। खबर मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और सभी लुटेरे उसमें फंस गए। दिनांक 1 जनवरी 2022 को एक सूचना मिली कि गुलशन गौड़ पुत्र श्री अमन गौड़ अपने घर के पास से जा रहे थे। 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका कट्टा दिखा के उनका पर्स, उनका फोन लूट लिया। थोड़ी देर बाद एक और राहुल नाम के पत्रकार आए, उनका भी मोटरसाइकिल से जाते समय पैदल वो बात करते हुए जा रहे थे। इन 3 लोगों ने इनका मोबाइल फोन लूट लिया। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई, सर्विलांस टीम को लगाया गया। एसपी महोदय के निर्देशन में टीम गठन हुई, मेरे द्वारा प्रयास किया गया, टीमें लगी। सर्विलांस में ये 3 बच्चे ट्रैप हुए, जिनसे लूट की रकम 2600 रुपये, मोबाइल और 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से 2 कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। सीओ सदर के मुताबिक इस टीम के एक लड़के के इंस्टाग्राम पर 23,000 फॉलोअर हैं। उसके मुताबिक वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लुटेरा बन गया। फिलहाल कारण कुछ भी हो, इन लोगों का अपराध अब सबके सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।